हाय ऑल, नमस्ते. वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे. अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरी की हुई रीडिंग देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड अगर आपको अपनी रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा. मैं हिंदी में पिकअप पायल रीडिंग लेकर आई हूँ. ये रीडिंग है सिंगल्स के लिए, जो लोग सिंगल हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी लव मैरिज होगी या उनकी अरेंज मैरिज होगी तो क्या पॉसिबिलिटी है और कार्ड्स क्या हिंट दे रहे हैं, ये देखने की हम कोशिश करेंगे. और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक क्लैरिफिकेशन दे पाऊँ. सो तीन पायल्स हैं हमारे पास. पायल नंबर वन में है ये ब्लू कलर का स्टोन. पायल नंबर टू में मैंने ये पिंक कलर का फ्लावर रखा है. और पायल नंबर थ्री में पर्पल स्टोन. ओके, पायल नंबर वन, पायल नंबर टू एंड पायल नंबर थ्री. अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी है या लव मैरिज की पॉसिबिलिटी है. ऑल्सो गाइज, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है. हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो इतना सीरियसली मत लीजिएगा. ओके, शुरू करते हैं रीडिंग आज की पायल नंबर वन के साथ, जिन्होंने ब्लू स्टोन सिलेक्ट किया है. क्या पॉसिबिलिटी है? ओके, लव मैरिज और अरेंज मैरिज. ओके, पहले ही सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल इन रिवर्स. फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट. अरेंज मैरिज गाइस, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है. ठीक, आप कुछ हद तक बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होंगे इस रिश्ते को लेकर. शुरुआत में जब ये रिश्ता आपके लिए आएगा, जब ये बात चलेगी, मुझे लगता है कि आप बहुत हैप्पी नहीं होंगे इस चीज़ को देखकर. बट अल्टीमेटली सम हाउ आप अग्री कर लेंगे, या फैमिली की वजह से आपको मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा. फैमिली इन्फ्लुएंस यहाँ पे है, तो ये डिसीजन जो है ये फैमिलीज मिलकर लेने वाली हैं. दैट मीन्स ये अरेंज मैरिज होने वाली है पाइल नंबर वन के लिए. अरेंज मैरिज, ओके. शादी के बाद आपका रिश्ता कैसा रहेगा? लाइक आपका जो बॉन्ड है आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ के साथ, वो किस तरीके का रहेगा? द मून, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स. तो एक बार मुझे लगता है कि कोई हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन या सेपरेशन इस शादी में आ सकता है. राशियां जो यहाँ पर हैं वो मैं देख पा रही हूँ, फायर एनर्जी है काफी हद तक. एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि, स्कॉर्पियो भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, ये राशि भी हो सकती है. ओके, आई बिलीव कि आप शादी के बाद भी काफ़ी टाइम लगाएंगे अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट होने में, जबकि वो कम्प्लीटली तैयार रहेंगे कि कब आप उनका ऑफर एक्सेप्ट करोगे, कब कम्प्लीटली आप इमोशनली यू नो उनसे अटैच हो पाओगे. वो वेट करेंगे इस चीज़ का, आप थोड़ा टाइम लगाओगे, मे बी 3 months, 4 months. और ये जो सिचुएशन होगी उनके लिए थोड़ी हार्ट ब्रेकिंग होगी, बट अल्टीमेटली जो फाइनल आउटकम है वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स का. सो यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, सपोर्ट है, ग्रोइंग टुगेदर, हैप्पी होम, एक अच्छी पार्टनरशिप. तो ये जो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होने वाली है, ये लवर तो होंगे ही, ये आपके बहुत अच्छे फ्रेंड भी बन के रहेंगे. बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे, ये आपको हर कदम पे सपोर्ट करेंगे और आपकी हर इमोशन को, आपके हर इमोशन को ये समझने की कोशिश करेंगे. पाइल नंबर वन, अरेंज मैरिज फॉर यू. ओके, सो दिस वाज द रीडिंग. अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा, या अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उनसे आपकी अरेंज मैरिज हो जाए. ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर टू की तरफ. पाइल नंबर टू, पिंक फ्लावर, अरेंज मैरिज और लव मैरिज. क्या कहते हैं कार्ड्स? क्या राशि हो सकती है उनकी आपके
फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की, ठीक, मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आएंगे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े चेंज के साथ। टेम्परेंस, हीलिंग एनर्जीज लेकर आएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड किंग ऑफ कप्स, किंग एंड क्वीन यहाँ पर दोनों ही हैं। टेम्परेंस हीलिंग एनर्जी लेकर आएंगे। आई बिलीव कि ये आपके कोई फ्रेंड होंगे जिनका आपके साथ रिलेशनशिप आगे डेवलप हो जाएगा। सो ये फ्रेंडशिप से प्यार में बदलेगा, प्यार से शादी होने की पॉसिबिलिटी है। तो यस, लव मैरिज हो सकती है पाइल नंबर टू के लिए। एंड आपकी जो मैरिड लाइफ है आपके आपके पर्सन के साथ, ठीक, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के साथ जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो थोड़ा कंफ्यूजन मुझे लगता है कि बिगनिंग में आ सकता है आप लोगों को, क्योंकि फ्रेंडशिप होगी ये, एंड देन फ्रेंडशिप से ये रिलेशनशिप में चेंज होगा, उसके बाद रिलेशनशिप से मैरिज में। इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पे ट्रांजिशंस आ रहे होंगे, चेंजेस आ रहे होंगे कि आप में से कोई एक पर्सन जो होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे बढ़ना चाहिए या और टाइम देना चाहिए। बट अगेन, दो एसेस हैं हमारे पास यहाँ पे, एस ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो नई बिगनिंग तो होने ही वाली है। और ये रिलेशनशिप आपकी मैरिज जो है काफ़ी स्टेबल रहने वाली है, अच्छा बैलेंस यानी कि इमोशनल बैलेंस अच्छा बना रहेगा आप लोगों के बीच में, लॉन्ग टर्म रहने वाला है। आपके बहुत सारे सपने इस शादी के साथ पूरे होने वाले हैं पाइल नंबर टू। आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सोच रखी होंगी जो आप अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के साथ करना चाहते होंगे, साथ में घूमना चाहते होंगे, कुछ नया ट्राई करना चाहते होंगे, कुछ भी जो भी आपके ड्रीम्स हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते होंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते होंगे, कैसे भी जो भी आपके प्लान्स हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के साथ, किसी एक पर्टिकुलर जगह आप घर लेकर रहना चाहते होंगे, वो सब यहाँ पे पूरे होने की पॉसिबिलिटी है विद दिस मैरिज विद दिस पर्सन। राशि जो यहाँ पे हो सकती है वो मुझे दिख रही है लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस राशि। ये राशियाँ हो सकती है, सेजिटेरियस भी हो सकती है। ये राशियाँ हो सकती हैं आपकी या आपके जो होने वाले हस्बैंड या वाइफ हैं उनकी ये राशि हो सकती है, ठीक। पाइल नंबर टू, लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर थ्री की तरफ। पाइल नंबर थ्री, जिन्होंने ये पर्पल स्टोन एमेथीस्ट सिलेक्ट किया है, कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। ऑल्सो गाइज, एक बार फिर से मैं बता दूं, पहले भी मैंने बोला ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी की अरेंज मैरिज हो जाएगी या सभी की लव मैरिज हो जाएगी। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, ठीक। ओके, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक, पेज ऑफ कप्स, दिल टूटने के बाद कोई आएगा, आप ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे, टाइम लगाओगे अपनी फीलिंग्स को लेके, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहोगे, हो सकता है सेपरेशन में भी चले जाओ, बिल्कुल ही सबसे बात करना बंद कर दो, या ऐसा पास्ट में हो चुका है या होने वाला है। ओके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे आप इस कनेक्शन को लेके। लव मैरिज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है पाइल नंबर थ्री। यस, डिसअपॉइंटिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक। मे बी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से आपका जो पास्ट जो रिलेशनशिप रहा है जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक आया है, वो रिलेशनशिप थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ओवर हुआ है, वहाँ पर इस वजह से डिसअपॉइंटमेंट आई है। सो जब ये नया ऑफर आपके पास आया या आएगा तो आप शायद इतने ज़्यादा एक्सेप्टिंग नहीं रहोगे इस ऑफर के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। ठीक, लव मैरिज होने की यहाँ पर पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है आपके पर्सन की तरफ से, जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो इस कनेक्शन के लिए, या जब भी वो आएंगे आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं होगी इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि आप पास्ट में जो आपके साथ हुआ है, जो हार्ट ब्रेक पास्ट में आया था, आप उसी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, उसी डिसअपॉइंटमेंट को के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है,
गाइस ऐसा नहीं करना है। अगर आप में से जिनके भी साथ ये रेजोनेट हो रही है रीडिंग, अपने पास की एनर्जी को प्रेजेंट में या फ्यूचर में मत लेकर आइए। आप अपने अंदर जिस भी एनर्जी को फीड करोगे, जिस भी चीज़ को आप खाना खिलाओगे वो ग्रो होगी ना। तो अगर आप नेगेटिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते रहोगे, उसमें ज़्यादा एनर्जी दोगे, तो वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ में भी बढ़ जाएगी और आपके रिलेशनशिप पर, करियर पर, हर चीज़ पर उसका असर दिखने लगेगा। पॉजिटिव रहिए, ठीक है, पास्ट में बुरा हुआ, आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रहा है, न्यू पर्सन आ रहे हैं, वो अपने साथ एक डिफरेंट एनर्जी लेकर आ रहे हैं। ट्रस्ट करना सीखिए, आगे बढ़िए, सरेंडर टू द डिवाइन, गॉड पर छोड़ दीजिए, डिवाइन एनर्जी पर छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक, मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, पाइल नंबर 3। राशियां यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि हो सकती है उनकी, पाइसिस भी हो सकते हैं। ओके, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। 4 of Wands, King of Wands इन रिवर्स, 3 of Pentacles, King of Pentacles, 4 of Cups एंड 7 of Swords। तो आई बिलीव बिगिनिंग तो काफ़ी अच्छी रहेगी इस मैरिज की, लेकिन आप दोनों में से कोई एक रहेंगे जो फिर भी कम्प्लीटली कमिट करने के लिए रेडी नहीं होंगे इस शादी में, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से कोई एक पर्सन होंगे जो अपने ईगो की वजह से या अपने सोशल स्टेटस की वजह से इस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे और ये सिचुएशन किसी एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग भी हो सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। ओके, फाइनल आउटकम क्या रहेगा इस मैरिज का, द डेविल, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। ओके, तो या तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस चला जाएगा, या पास्ट की नेगेटिविटी के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा फोकस चला जाएगा तो ये मैरिज जो है ख़राब हो सकती है। पाइल नंबर 3, आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने थॉट्स का। अपने थॉट्स से ही हम अपनी लाइफ, अपना प्रेजेंट और फ्यूचर मैनिफेस्ट करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। तो उस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि इफ़ यू थिंक पॉजिटिव आपके साथ अच्छा ही होगा एंड ऐसी सिचुएशंस को भी आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक, ये जो रीडिंग आ रही है आपकी करंट एनर्जी को लेकर आ रही है, अभी फिलहाल जो आप सोच रहे हैं, अभी फिलहाल जिस एनर्जी को आप कैरी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। अगर आप और पॉजिटिव हो जाएं और पॉजिटिव अप्रोच रखें अपनी लाइफ में, तो एनर्जी बदल भी सकती है। टाइम टू टाइम एनर्जी फ्लूइड होती है, जस्ट लाइक टाइम, तो बदल जाती हैं एनर्जीज। ठीक, पाइल नंबर 3, लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन थोड़ा आपको संभल के चलना होगा। ये थी रीडिंग आपके लिए, आई होप इस रीडिंग के ज़रिए कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी एंड कुछ आप पॉजिटिव लेकर जा रहे होंगे यहाँ से। तो प्लीज़ मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।